सो हे एवरीवन, आज हम फिर से एक बार बढ़िया सी ये हर्बल वाली सोप बनाने जा रहे हैं। तो लास्ट आप जाके देखोगे वीडियो में, तो मैंने नीम का साबुन बनाया था और उसे बनाए हुए से करीब करीब 2 महीने होने को हैं। और वो नीम का साबुन मैंने यूज़ किया बारिश के मौसम में, तो आप सब जानते हो स्किन किस तरीके की हो जाती है। तो मैंने उसे चेहरे में यूज़ किया और यकीन मानिए, मैंने पूरा जब तक वो चली है ना, वो 2 साबुन पूरा मैंने यूज़ करा है और इतना बढ़िया मुझे रिजल्ट मिला है कि एक भी पिंपल नहीं आया चेहरे में और किसी भी टाइप का दाना नहीं आया। जबकि गर्मियों में और बारिश में तो आप सब जानते हो इसके चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं। तो एलोवेरा तो आप सब जानते हो कितना महंगा महंगा साबुन आप लोग खरीद के भी लाते होंगे मार्केट से, एलोवेरा सोप के नाम से जो बिकते हैं और केमिकल वाले होते हैं सारे। घर पे ही जैसे हमने नीम सोप बनाया था ना एकदम नेचुरल, बिल्कुल वैसे ही आज एलोवेरा सोप बनाएंगे और बहुत ही कमाल के रिजल्ट मिलते हैं। एलोवेरा सोप बारिश के मौसम में भी बहुत अच्छा रहता है और ये थ्रू आउट पूरे साल आप इसे यूज़ कर सकते हो, इसके बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। बस एलोवेरा आपको ये नेचुरल वाला यूज़ करना है। अगर आप मार्केट वाला एलोवेरा यूज़ करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं यूज़ करती हूँ। आज तक आपने मेरी किसी वीडियो में नहीं देखा होगा कि मैंने मार्केट का एलोवेरा जेल यूज़ किया है। मैं इसी तरीके से अपने गार्डन में लगा के रखती हूँ और ऐसे ही इन्हें फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एलोवेरा का जो जेल है वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। तो अभी जो है ये छोटा सा ही प्लांट था एलोवेरा का, तो इसलिए इसका इसकी जो ये पत्तियाँ होती हैं ज़्यादा मोटी नहीं हो पाई हैं। जितनी ज़्यादा मोटी पत्तियाँ होती हैं उतना ज़्यादा आपको जेल मिलता है। सो इस वजह से हमें लेकिन जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से ऊपर की एक लेयर हटा लीजिए और चम्मच ले लीजिए, अदरवाइज़ आपको जो है ना जेल को मिक्सी में चला के पीसना पड़ेगा। चम्मच लीजिए और या फिर कंघी ले लीजिए, साफ़ सुथरी धुली हुई कंघी होनी चाहिए और उससे इस तरीके से कॉम जैसा जैसे बालों करते हैं ना ऐसे करेंगे तो ये आपको देखिए कितना बढ़िया सा जेल मिल जाएगा। और इस जेल में जो है बिल्कुल भी चंक्स नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल जैसे मार्केट वाला जेल होता है ना, तो उसी तरीके से आपको मिलेगा और आपको पीसना भी नहीं पड़ेगा। जितनी साबुन बनाना चाहते हो उसी हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हो, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से मैं जेल निकाल लेती हूँ। जेल तो हमने निकाल लिया है। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि एलोवेरा, जब भी आप एलोवेरा के साथ में काम करें तो एलोवेरा को किसी स्टील की प्लेट में, कांच की प्लेट में ही लें, उसे फ़र्श पे मार्बल वगैरह पे तो खास कर ना रखें। और साथ ही साथ जो है उसे लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड जो होते हैं, बोर्ड होते हैं, उनके ऊपर ना रखें। मेरा एक नया चॉपिंग बोर्ड बर्बाद हो गया। जब हम एलोवेरा काट के लाते हैं तो उससे येलो येलो सा चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, वो इतना ख़तरनाक होता है, बिल्कुल नहीं जाता है। तो मेरा चॉपिंग बोर्ड ख़राब हो गया था, मैंने उसे बहुत कोशिश की साफ़ करने की बट वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ। सो ये एलोवेरा जेल से रिलेटेड टिप थी। और अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जेल। अब हमें चाहिए सोप बनाने के लिए सोप बेस। ये ग्लिसरीन बेस्ड सोप बेस होता है जिसे मैंने भी ऑनलाइन मंगवाया है, इसका लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये बहुत सॉफ्ट होता है काटने में, देखिए बिल्कुल केक जैसे कटता है। थोड़ा सा और डालूंगी, इससे एक सोप बनाऊंगी मैं। और जो है इस तरीके से बहुत सस्ता मिलता है, आप इससे अलग अलग जो है फ्लेवर वाली, अलग अलग गुणों वाली सोप्स बना सकते हो। कोई अगर खुशबू लाना चाहते हो तो एसेंशियल ऑयल आते हैं जैसे कि लेवेंडर वगैरह होता है, तो वो आप मार्केट से लेके डाल सकते हो, लेकिन काफ़ी महंगे पड़ते हैं तो फिर आपको वही मार्केट वाला ही रेट हो जाएगा। इसलिए मैं तो कहूँगी कि आप थोड़ा सा अवॉइड ही करें। तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिया ये सोप बेस। अब क्या करें, अगर आपके पास सोप बेस ना हो और आप मंगाना भी नहीं चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, जो ग्लिसरीन बेस्ड साबुन आती हैं, जो पेयर साबुन होती है ना, PEARS पेयर्स करके जो साबुन आती है, सॉफ्ट सी होती है इसी तरीके के दिखने में, तो उसके आप इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके आगे का प्रोसेस सेम कीजिएगा। तो इसकी जगह पर आप उसे ले सकते हो। लेकिन अगर ये सोप बेस लोगे तो इसमें कुछ भी अभी मिला नहीं होता है, देख सकते हो आप वाइट है, ट्रांसपेरेंट है। अब इसे साबुन को बनाते हैं हम डबल बॉइलिंग मेथड से। तो यहाँ देखिए पानी रख लिया है पैन में, आप गहरे भगोने में, कढ़ाई में, किसी भी चीज़ में रख सकते हो पानी। अब इसके ऊपर एक बर्तन रखना है, कांच का ले सकते हो या फिर कोई भी बर्तन, स्टील वगैरह का ले सकते हो, कटोरी कटोरा आप, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे सोप बेस।
और ये जैसे मोम पिघलती है ना, बिल्कुल वैसे ही पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। फ्लेम को थोड़ा लो ही रखेंगे कि पानी ऑलरेडी गर्म है, मैंने थोड़ा पहले रख दिया था। और इसे एक चम्मच से चलाते रहें इस तरीके से, और अभी आप देखेंगे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इस काम में हार्डली 2 मिनट लगते हैं, और 2 मिनट में किसी भी फ्लेवर की आपकी जो साबुन है वो बनके तैयार हो जाती है। अब साबुन को हम शेप कैसे देंगे, उसके लिए देखिए डिस्पोजल कटोरी आती है ना, सबसे सस्ता वो ले लिया। ये कटोरी नहीं तो स्टील की कटोरी लीजिए, इसमें कोकोनट का तेल लगा लीजिएगा बस, जिससे निकालने में आसानी रहे। आपके पास वो पेपर कप होते हैं ना जो चाय कॉफ़ी वाले, वो ले सकते हो। दूसरी कोई कटोरियाँ हैं आपके पास में वो ले सकते हो। प्लास्टिक की कोई छोटी कटोरी है वो ले सकते हो। अगर आप और ऐसे साबुन बनाना चाहते हो तो सोप मोल्ड भी आते हैं, वो ले सकते हो। हार्ड शेप, ओवल शेप, रेक्टेंगुलर शेप, अलग अलग शेप की साबुन आप बना सकते हो। तो उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से ले सकते हो। अब देखिए सोप किस तरीके से मेल्ट होने लगी है, तो इसी में हम अपना एलोवेरा जेल भी डाल देंगे, इससे कि ये भी मेल्ट होके थोड़ा पक जाए, जिससे कि साबुन है ना वो ख़राब ना हो, उसकी लाइफ बढ़ जाए। और ये इसके साथ अच्छे से मिलजुल जाएगा। तो इसे पकाना नहीं होता है, बस मेल्ट करना होता है, तो हम भी उतना ही करेंगे जितने में ये मेल्ट हो जाए। आप स्टील का बर्तन लोगे तो उसमें भी सेम ही रहेगा, उससे भी यानी कि ऐसा नहीं कि कांच के कटोरे में ही होता है। बेस जो है पिघल चुका है, अब हम इसमें क्या करेंगे, बहुत थोड़ा सा, देखिए कितना कम लिया है यहाँ पे। ये फूड कलर है ग्रीन कलर का, क्योंकि एलोवेरा ग्रीन होता है ना, तो उसे थोड़ा सा वो इफ़ेक्ट देने के लिए, और दिखने में भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा थोड़ी। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हम मार्केट में जैसे नीम साबुन होती है, एलोवेरा साबुन होती है, हम ग्रीन कलर देख के ही तो अट्रैक्ट हो जाते हैं ना कि अरे वाह ये नीम साबुन है, इसमें यानी कितनी ग्रीन है, तो इसमें खूब सारा नीम पड़ा होगा। तो बस हम भी इसमें थोड़ा सा, लेकिन हम यहाँ पे फूड कलर डाल रहे हैं। वैसे ये टोटली ऑप्शनल है, आप लोगों को वीडियो में दिखाने की वजह से थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए मैंने डाला है, अदरवाइज़ मेरा कोई मकसद नहीं है इसे डालने का। क्योंकि अगर बाद में मैं बनाती हूँ जिसका मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी अपने लिए सोप, तो मैं उसमें बिल्कुल भी कलर वगैरह नहीं डालती हूँ। तो आप भी कलर मत डालिएगा अगर आपको ऐसा लगता है तो। कलर डालने के तुरंत बाद ही मैंने इसे नीचे उतार लिया है, और कलर के छोटे छोटे से पार्टिकल हैं तो उसे मैं मेल्ट कर रही हूँ ठीक से, क्योंकि वो बाद में फिर दिखेंगे जब सोप जमेगी। अब हम ये कटोरी ले लेते हैं और इसमें ये सारा सोप पोर कर देते हैं। काफ़ी गर्म है, तो अब हम एक प्लेट लेंगे और इसे इसमें रख देंगे। इसे फ्रिज में रखना है 1/2 घंटे के लिए, ज़्यादा के लिए भी रख सकते हो। फिर आपको दिखाऊंगी कि साबुन कैसी बनके तैयार हुई। तो ये देखिए हमारी जो सोप है वो एकदम सेट हो गई है। फ्रिज में डालो, फ्रीजर में डालो, 10 मिनट में हो जाती है। और देखिए प्लास्टिक डिस्पोजल की वजह से ये कितनी आसानी से डीमोल्ड हो गई है और कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए ये ऊपर की साइड बबल होता है, जब आप यूज़ करेंगे एक दो बार में ये बबल वाला ख़त्म हो जाएगा पार्ट, लेकिन आप इसे इस तरीके से रखें तो देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है। इसे यूज़ करके आपको दिखाती हूँ, इसे आप चेहरे पे यूज़ कीजिए, पूरी बॉडी में यूज़ कीजिए, इतना अच्छा आपको फील होगा। देखिए बहुत ही सुंदर सा इसमें झाग भी आता है, ये देखिए बिल्कुल हल्का ही लगा के दिखाया है मैंने अभी आपको। और बस इस स्मूथ सी शैम्पू सॉरी साबुन को अब आप यूज़ कीजिए चेहरे को धोने में, आपको आपकी जो है स्किन एकदम बढ़िया रहेगी, ड्राई रहेगी। बारिश में चिपचिपी इसी हो जाती है ना, और साथ ही दाने भी आने लगते हैं ये उमस वाले मौसम में। तो बेस्ट एलोवेरा सोप है ये, होममेड, आप भी बनाइएगा, ज़रूर यूज़ कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि वो भी इस तरीके की अच्छे से नेचुरल तरीके से जो है साबुन बना सकें अपने लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।